हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। मोस्ट हीट स्टेरलाइजेशन जो टॉपिक है हमारा मेनली रहेगा, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, हीट स्टेरलाइजेशन। हीट स्टेरलाइजेशन का एक पार्ट रहेगा। हीट स्टेरलाइजेशन के अंदर हमने टू टाइप के मेथड देखे थे स्टेरलाइजेशन के, जिसको फर्स्ट में हमने बोला था जो मोस्ट हीट स्टेरलाइजेशन, और सेकंड था हमारा ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन का एक मेथड, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीटली डिटेल डिस्कस करेंगे ऑटोक्लेव के बारे में। तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं हम, व्हाट इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव इज अ मेथड ऑफ मोइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। एक मोइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन करने का एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर विच क्रिएट प्रेशर इनसाइड इट, जो अपने अंदर एक प्रेशर को क्रिएट कर लेता है, अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके अंदर प्रेशर को क्रिएट कर लेता है। अभी के लिए आप इतना समझो जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, वैसा ही ऑटोक्लेव होता है, और धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक प्रेशर कुकर है, उसके अंदर हम वाटर कंटेंट डाल देते हैं, या हम जैसे ही उसके अंदर कुछ कुकिंग सब्सटेंस डाल देते हैं, और उसके नीचे जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर किस चीज़ का क्रिएट होगा? वो प्रेशर क्रिएट होगा थ्रू द स्टीम, या इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, स्टीम हीट स्टेरलाइजेशन। बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी है, उसके अंदर इस प्रोसेस का दूसरा नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टीम हीट स्टेरलाइजेशन। स्टीम हीट स्टेरलाइजेशन, जो स्टीम हीट होती है ये क्या करती है, जब इसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है एक चैम्बर के अंदर, देन स्टीम हीट पेनेट्रेट ऑल सेल, जो सेल्स हैं उसको पेनेट्रेट करती है, सारी के सारी जो सेल्स हैं, माइक्रोबियल जो भी सेल उसके अंदर प्रेजेंट होती है इनसाइड अ चैम्बर, उसके अंदर क्या करेगी, पूरी की पूरी सेल को डैमेज कर देगी, रप्चर कर देगी, उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे किसी भी माइक्रोब्स की इतने हाई प्रेशर के अंदर और हाई टेम्परेचर के अंदर डेथ हो जाती है, वो माइक्रोब्स किल हो जाता है। तो वहाँ पे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एसेप्टिक कंडीशन, और इस एसेप्टिक कंडीशन को अप्लाई करने की जो यूनिट है उसको हम इसमें बोलेंगे मोस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। और मोस्ट हीट स्टेरलाइजेशन जिस यूनिट के अंदर होता है या जिस डिवाइस के अंदर होता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं ऑटोक्लेव। क्लियर? जिस डिवाइस के अंदर ये किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्लेव। अब जो ऑटोक्लेव है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑटोक्लेव की अगर हम डेफिनेशन देखें, द ऑटोक्लेव इज अ डिवाइस और अ मशीन विच क्रिएट प्रेशर इनसाइड इट ऑन हीटिंग। एक मशीन या डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक है, डिवाइस तो हम बोलेंगे नहीं। अब एक ये मशीन है, हैव अ चैम्बर, हैव अ चैम्बर, इसके अंदर एक चैम्बर होता है विच क्रिएट प्रेशर इनसाइड इट, अपने अंदर एक प्रेशर को क्रिएट कर लेता है, और इसका जो प्रेशर है वो कितना रहता है और टेम्परेचर कितना रहता है लगभग, इसकी भी हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो ये एक चैम्बर लाइक होता है और इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज वी अप्लाई हीट,
जब हम हीट को अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, देन दे आर चेंज्ड इन स्टीम, और वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, स्टीम के अंदर, दे क्रिएट अ प्रेशर इन साइड द चैम्बर। अब ये चैम्बर के अंदर एक प्रेशर को क्रिएट कर देते हैं, पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है एक चैम्बर के अंदर। अब उस चैम्बर के अंदर जब प्रेशर क्रिएट हो गया, देन क्या होता है, वो चैम्बर के अंदर प्रेशर क्रिएट होने के बाद जितनी भी उसके अंदर लाइफ होगी, लाइफ का मीन आप समझ रहे हैं ना, जितनी भी उसके अंदर सेल होंगी, लिविंग सेल होंगे, माइक्रोब्स होंगे, एल्गी होंगी, फंजाई होगी, छोटे से छोटा माइक्रोब्स होगा, उन सब की सेल्स को रप्चर कर दिया जाएगा, पेनेट्रेट कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सारे के सारे जो माइक्रोब्स है, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई पैरासाइट है, वो सारे के सारे किल हो जाते हैं, और सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये एक पूरा का पूरा एसेप्टिक कंडीशन अप्लाई करता है, एसेप्टिक कंडीशन देता है, कौन, सिर्फ हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंदर। अगर हम मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो ऑटोक्लेव एसेप्टिक कंडीशन देता है। अब ऑटोक्लेव मोस्टली यूज किया जाता है आपकी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री है जितनी भी, सबके अंदर ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। मोस्टली यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे यूज किया जाता है ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री में, वहां पे इसका यूज होता है टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका स्टेरिलाइजेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं विद ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनको हम थोड़ा सा एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑटोक्लेव है क्या, और इसकी डेफिनेशन तो हमने जान ली है कि ये कुछ कुछ एक चैम्बर के जैसा है जिसके अंदर प्रेशर अप्लाई होता है, और प्रेशर किस चीज़ का होगा, फुली स्टीम का प्रेशर होगा। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो वो प्रेशर अप्लाई होगा उनके ऊपर, देन वो प्रेशर पेनेट्रेट कर देगा सेल्स की वॉल को, और सेल्स की वॉल को रप्चर करने के बाद जो सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है और वो एसेप्टिक कंडीशन बना देगा, स्टेरिलाइज कर देता है जो भी आइटम उसके अंदर रखे हुए हैं। और तो सबसे पहले हम ऑटोक्लेव है उसके कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ऑटोक्लेव हमारा होता है उसका आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं कुछ ऐसा होता है, एक चैम्बर लाइक सब्सटेंस आपको, चैम्बर लाइक जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। एक जो माइक्रो बायोलॉजी लैब होती है उसके अंदर यूज़ होता है, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह उनके अंदर यूज़ किया जाता है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है। इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। इस तरफ जैसे इसकी जो लीड है, ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लीड सेक्शन, इसकी जो लीड है एयर टाइट लीड होती है, इसके ऊपर नट्स लगे होते हैं जो इसको टाइटनिंग करने के लिए, टाइटनिंग नट्स, ठीक है, कवर टाइटनिंग नट्स। इसके ऊपर तीन यूनिट इसकी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी वाल्व, प्रेशर गेज, जो इसके अंदर सिर्फ प्रेशर को बता सकता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी होती, कुछ के अंदर अभी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उनके अंदर लगी हुई है कि जो टेम्परेचर बता सके, बट हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते एक ऑटोक्लेव के अंदर। हम प्रेशर को देखते हैं और प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये विसल, जिसको जैसे कुकर के ऊपर होती है ना विसल, विसल विच प्रेजेंट ऑन अ इट्स लीड, इट रिलीज इट्स प्रेशर, इसके जो प्रेशर इसके अंदर क्रिएट होगा उसको रिलीज कर देगी। जैसे कुकर के अंदर हम देखते हैं 2 सीटी बज गई, 3 सीटी बज गई, उसके बाद कुकिंग हो जाती है, जो भी चीज़ उसके अंदर डाली होती है, तो वो प्रेशर को रिलीज करती रहती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। और इस तरफ होता है एक सेफ्टी वाल्व, किसी कंडीशन के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो जाता है या विसल काम नहीं करती
या जो रिलीजिंग वाल्व है वो काम नहीं करता, तो उस दौरान इसका काम रहता है सेफ्टी वाल्व का। फिर आ जाता है हमारा चैम्बर, ठीक है, प्रेशर चैम्बर, ये होगा प्रेशर चैम्बर। अब प्रेशर चैम्बर के अंदर आप जो देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक बकेट रखी होती है, उस बकेट के जस्ट नीचे हीटिंग प्रोवाइड डिवाइस होता है और उसके ऊपर थोड़ा वाटर प्रेजेंट होता है बकेट के अंदर। ये यहाँ पे इतना एरिया मान लो वाटर है और इसके ऊपर, इस वाटर के ऊपर ये स्टेज मान सकते हो, यहाँ पे ये स्टेज, ये वाटर, और वाटर भी उतना लेवल तक ही रखा जाता है कि ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो, इतने लेवल तक ही इसके अंदर वाटर को रखा जाएगा। अब ये बकेट होती है पूरा का पूरा जो आपको इनसाइड डिज़ाइन दिख रहा है, और इसके आउटर साइड में जो जैकेट है और इसकी ये पूरी की पूरी बॉडी है, पूरी पूरी जो बॉडी है वो एक मेटल की बनी हुई होती है एक ऑटोक्लेव के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर स्टैंड या लेग्स बोल सकते हैं, और एक हीटिंग इलेक्ट्रोड होती है जो इसके अंदर काम करती है हीटिंग के लिए, वाटर के जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की उनको इंक्रीज करने का काम करेगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला सेक्शन हम करते हैं ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव की जो लीड, लीड के ऊपर अगर मैं बात करूँ ऑटोक्लेव के अंदर, अगर आप लीड के अंदर देख पा रहे हैं तो लीड के अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं। बात करते हैं लीड की, लीड क्या है, इम्पोर्टेंट, या लीड बोलते हैं या फिर बोलते हैं कई बार डोर, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेव के अंदर ये कैसी कंडीशन बनाता है, स्टेरिलाइजेशन कंडीशन क्रिएट करता है, इज क्रिएटेड थ्रू लिड। अगर लिड नहीं होगी तो इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई स्टेरिलाइज्ड कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। जब हम लिड को ऊपर से क्लोज कर देते हैं तो वो एटमोस्फेरिक एनवायरनमेंट है उससे डिसकनेक्ट हो जाता है। अब उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है उसका इनसाइड में वही बचता है, एयर टाइट लिड होती है विच एयर टाइट क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ जो कवर टाइटनिंग नट है ना, कवर टाइटनिंग नट्स, इनकी हेल्प से पूरा का पूरा क्लोज कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर जो तीन सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स, लीड के जो पार्ट्स हैं वो तीन हैं। सबसे पहला आता है प्रेशर रिलीजिंग यूनिट, जो प्रेशर रिलीजिंग यूनिट, ये वाली थी ना ऊपर वाली, जो प्रेशर रिलीजिंग यूनिट है सबसे पहली वही आती है। प्रेशर रिलीजिंग यूनिट सेकंड आ जाता है प्रेशर गेज, और जो थर्ड यूनिट आती है, थर्ड आपको जो दिखाई दे रही है उसके साइड में ही, जिसको हम बोल रहे हैं सेफ्टी वाल्व। अब इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। प्रेशर रिलीजिंग यूनिट क्या करती है, जो ऑटोक्लेव के अंदर प्रेशर रिलीजिंग यूनिट होती है इसका मेन काम होता है, प्रेशर रिलीजिंग यूनिट सिर्फ ऑटोक्लेव के अंदर उतने ही प्रेशर को मेंटेन करके रखती है जितना हमें चाहिए। इट हेल्प टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के अंदर जितना प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखती है। इट रिलीज व्हेन प्रेशर इट्स हाई इनसाइड द ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के अंदर जब प्रेशर, जितना प्रेशर हमने मेंटेन करना था उससे ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये कुछ प्रेशर को रिलीज कर देती है, उसके अंदर से कुछ स्टीम को ये बाहर की तरफ भेज देती है, और जो होता है एक विसल की तरह, जैसा कि हमें प्रेशर कुकर के अंदर देखने को मिलता है वो विसल की तरह ही होता है। अब मेन हम ये समझें कि ये एक प्रेशर कंडीशन के अंदर, जो प्रेशराइज कंडीशन के अंदर अगर हमने इसको रखा है तो ये प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, कंट्रोल ऑन प्रेशर, जितना इसके अंदर प्रेशर होगा उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। जैसे हमारे प्रेशर कुकर के अंदर विसल होती है ना, प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है, अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाए तो वो फट भी सकता है, बट उसको फटने से बचाने के लिए एट वेरी हाई प्रेशर, इफ़
प्रेशर कंट्रोलिंग यूनिट इज नॉट वर्किंग, अगर कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि प्रेशर कंट्रोलिंग यूनिट इज नॉट वर्किंग इन केस ऑफ ऑटोक्लेव, अगर ऑटोक्लेव वर्क कर रहा है और उसके दौरान प्रेशर कंट्रोलिंग यूनिट के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, कुछ कंडीशन ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी आ गई, देन क्या होगा, वो वहाँ से अगर प्रेशर को रिलीज नहीं कर रही है तो प्रेशर तो कंट्रोल नहीं होगा और प्रेशर उसके अंदर बढ़ता ही रहेगा, इंक्रीज प्रेशर, देन उस दौरान क्या होगा, इसके अंदर होती है एक थिन ड्रम या थिन वाल्व, यहाँ पे लगा होता है थिन वाल्व, ठीक है, ये थिन वाल्व हाई प्रेशर के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, थिन वाल्व क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा एंड प्रेशर इज रिलीज्ड, प्रेशर इज रिलीज्ड, और जो प्रेशर होगा उसके अंदर वो रिलीज हो जाएगा और जो प्रेशर कुकर है डैमेजिंग से बच जाएगा, ठीक है, प्रेशर कुकर है वो डैमेजिंग से बच जाएगा, ब्लास्ट होने से बच जाएगा, उस चीज़ को ये कंट्रोल करेगी जो सेफ्टी वाल्व है। और इसके अलावा जो प्रेशर गेज है ये हमें सिर्फ बताती है टेल अबाउट द प्रेशर इनसाइड प्रेशर यूनिट या प्रेशर चैम्बर के अंदर हमने कितना प्रेशर दे रखा है उसके ऊपर हमें ये पूरी की पूरी जानकारी देता है प्रेशर गेज। जो प्रेशर गेज इसके ऊपर ये लगा हुआ ना, जैसा मैंने एरो सा लगा रखा है ऐसा ही होता है, इसके अंदर ये एरो चलता है और रीडिंग बता देता है हमें कि कितना प्रेशर है इनसाइड प्रेशर चैम्बर और कितना हमें चाहिए, कितनी देर के लिए हमें चाहिए, ये चीज़ हमें बता दी जाती है। तो लीड के ऊपर ये तीन चीज़ें होती हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, इसके बाद लीड के जैसे ही नीचे जाते हैं हमारे पास आ जाता है प्रेशर चैम्बर, प्रेशर चैम्बर, और जो प्रेशर चैम्बर को आप देख रहे हैं इतना एरिया है जो प्रेशर चैम्बर है। जो प्रेशर चैम्बर है किस चीज़ से बना है, जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव हैव एन आउटर एंड इनर जैकेट, ठीक है, एक आउटर जैकेट होती है और एक इनर जैकेट होती है, ठीक है, जो इनर जैकेट होती है, इनर वॉल ऑफ ऑटोक्लेव इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड, ऑटोक्लेव की जो इनर वॉल है, इनसाइड की जो दीवार है वो किस चीज से बनी होती है, स्टेनलेस स्टील और या एंड गन मेटल, गन मेटल, इस चीज से बनी होती है, दो चीजों से ही बनी हुई होती है। ऑटोक्लेव के अंदर ये दोनों चीज़ों से क्यों बनी होती है, स्टेनलेस स्टील या गन मेटल, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें ही क्या है, रस्ट फ्री है, रस्ट फ्री या कोरोजन फ्री बोल सकते हैं, कोरोजन लेस, कोरोजन फ्री, मतलब इनको जल्दी से जंग नहीं लगता। दूसरा, ये हाई प्रेशर के अंदर काम कर सकती हैं, वर्क अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंडर ये वर्क कर सकती है। और सीट जो होती है थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, द इनसाइड वॉल आर थिक देन आउटर वॉल, इनसाइड वॉल्स आर थिक देन आउटर वॉल, ऐसा क्यों होता है कि वॉल थिक होती है, ये मैंने बता दिया कि इसके अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है और इनके अंदर हाई प्रेशर जनरेट होगा तो इनको ब्रस्टिंग से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, कहीं से लीकेज वगैरह ना हो जाए, इसलिए इसके अंदर स्पेशल, इसके अंदर जो गन मेटल है उनका यूज़ किया जाता है और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील है उसका यूज़ किया जाता है। जो आउटर जैकेट है, आउटर जैकेट ऑटोक्लेव की आउटर जैकेट ये नॉर्मली आयरन की या स्टील की बनी हो सकती है, आयरन और स्टील मेटल इसके अंदर यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो स्टील होता है या नॉर्मली जो आयरन होता है उसका यूज़ कर लिया जाता है। अब एक ऑटोक्लेव के अंदर एक होती है इनसाइड एक बकेट, जो ये दिखाई दे रही है, इस बकेट के अंदर ही प्रेशर क्रिएट होता है, इस बकेट के अंदर प्रेशर का क्रिएट होगा, ठीक है, जो ये बकेट आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या करती है, ऑटोक्लेव के साइज को बना देती है। अब एक ऑटोक्लेव जो होगा आपका
100 लीटर से 1000 लीटर तक का हो सकता है या 3000 लीटर तक का हो सकता है। बड़े बड़े जितने छोटे से बड़ा बड़ा ऑटोक्लेव यूज़ किया जाता है, 100 लीटर से 3000 लीटर तक का भी ऑटोक्लेव देखने को आपको मिल सकता है। और बकेट के अंदर होता है एक स्टेज जिसके ऊपर रखे जाते हैं मटेरियल्स विच कैन बी स्टेरलाइज्ड, ऐसे मटेरियल जिनको हम स्टेरलाइज कर सकें। ये होता है प्रेशर चैम्बर। प्रेशर चैम्बर आ गया होगा समझ में आपको, ये होता है प्रेशर चैम्बर। किस किस चीज़ का? मेटल्स, गन मेटल्स, इनसाइड का जो कवरिंग है वो बनी होती है आउटर की स्टेनलेस स्टील और आयरन से बनी हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर एक बकेट होती है जो इसके साइज़ को बना देती है, जितनी बड़ी बकेट होगी उतना ही बड़ा साइज़ मिलेगा, या जितना बड़ा हम बोल दें ऑटोक्लेव होगा उसके अंदर उतनी बड़ी बकेट होगी, जो जिसके अंदर मटेरियल्स कैन बी पुट फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अब जो थर्ड जो चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर या फिर हीटिंग डिवाइस या फिर हीटर बोल देते हैं, जिसका क्या काम होता है, हीटिंग करने का काम होता है। इट गिव हीट और इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। एक ऑटोक्लेव के अंदर इसका ये काम है। अब ऑटोक्लेव के अंदर इस चीज़ को अगर हम देखें, जो वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल अगर बहुत ही ज़्यादा लेस है, तो इन केस ऑफ लेस वाटर कंटेंट देन इन कोज बर्निंग, ये बर्निंग का कोज भी हो सकता है, इससे आपकी जो हीटिंग रोड है वो जल सकती है। अगर वाटर का लेवल मोर है, मोर वाटर लेवल कोज, अगर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस दौरान आपकी जो स्टेरलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगी, जो आपने मटेरियल उसके अंदर पुट कर रखा है स्टेज के ऊपर स्टेरलाइजेशन के लिए, उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो इंटर कर जाएगा, जिससे आपका स्टेरलाइजेशन होने की बजाय उल्टा कंटेमिनेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए वाटर का लेवल इसके अंदर सिर्फ मेंटेन जरूरी है, वाटर के लेवल को एक लेवल मेंटेन लेवल तक रखा जाता है कि ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा कम हो। इसलिए वाटर के लेवल को एक मेंटेन लेवल तक रखा होता है, जो एक लेवलर इसके अंदर लगा होता है जो वाटर के लेवल को बताता है कितने ऊंचाई तक इसके अंदर पानी प्रेजेंट है, और वो हमारी हेल्प करता है जानने के अंदर कितना पानी इसके अंदर होना चाहिए। एक स्ट्रिप लगी होती है आउटसाइड में, चैम्बर के जो चैम्बर होता है गोलाकार होता है उसके आउटसाइड में एक स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है, इस तरीके की कुछ लॉन्ग स्ट्रिप लगी होती है, वो लेवलर शो करता है कि इसके अंदर वाटर कितना होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन सेगमेंट होता है ऊपर की तरफ और रेड सेगमेंट होता है नीचे की तरफ, ठीक है, जो रेड सेगमेंट है मैं उसको ब्लैक कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ये रेड सेगमेंट है। अगर वाटर लेवल इतना शो कर रहा है, ये लेवलर इतना शो कर रहा है, मतलब वाटर कंटेंट बहुत ही कम है, लेस देन रिक्वायरमेंट है। अब जितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ग्रीन तक की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको ग्रीन तक में फिल कर देते हैं, इतना होना चाहिए। तो वाटर का लेवल ये हमें बता देता है वाटर लेवलर, जो बाहर एक यूनिट लगी होती है वाटर लेवलर, वो हमें बता देते हैं कि वाटर का लेवल कितना होना चाहिए। अगर हम वाटर का लेवल उतना ही रखेंगे तो अच्छे से हमारी जो स्टेरलाइजेशन है वो हो पाएगी, प्रेशर भी अच्छे से जनरेट होगा, नहीं तो बर्निंग का केस भी हो सकता है और कंटामिनेशन का केस भी हो सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं। तो इस केस के अंदर अगर हम आगे चलें, कुछ टाइप के जो ऑटोक्लेव होते हैं उनके अंदर हमें एक स्पेशल चीज और देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं वैकम जनरेटर। वैकम जनरेटर अगर जरूरी है तो चाहिए भी, if applicable
अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो चाहिए भी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो वैकम जनरेटर होता है इसका यूज़ करके जो इसके अंदर एयर है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है और सिर्फ स्टीम प्रेशर ही क्रिएट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, पूरा ध्यान से सुनना इसको, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एयर इसके अंदर रह जाती है, जो एयर कुछ पार्ट को कवर कर लेती है और वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं लाइफ की जगह, वो हमें देखने को मिलते हैं, जो पूरी तरीके से कंटामिनेशन फ्री नहीं कर पाते किसी भी मीडिया को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। जब उसके अंदर एयर बबल रह जाते हैं ना, ऐसा ही होता है, जो एयर की कुछ स्पेसेस रह जाते हैं एयर के, और वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ देखने को मिलती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सो वाई वी यूज़ वैकम जनरेटर, इसलिए हम वैकम जनरेटर का यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ वैक्यूम जनरेटर, ठीक है, इसीलिए हम वैकम जनरेटर का यूज करते हैं। और कई कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसकी जगह पे कूलर, वाटर कूलर, जो वाटर निकलता है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर कूलर, इसका यूज किया जाता है ऑटोक्लेव के अंदर, मोस्टली बहुत कम देखने को मिलता है, बट जहाँ पे वेल सेटल्ड लेबोरेटरीज हैं, लेब हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर किया जाता है क्योंकि उनके अंदर से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो हीटिंग वाटर है, सीधा का सीधा हम अगर रिलीज़ कर देंगे हीटिंग वाटर को, सबसे पहले क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, देन उस कूल वाटर को हम डालते हैं ड्रेनेज पाइप के अंदर, ड्रेनेज पाइप के अंदर। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका एक रीज़न यह है कि अगर हम सीधा हॉट वाटर को ड्रेनेज पाइप के अंदर डाल देंगे, वो पाइप्स होती हैं हमारी प्लास्टिक की, पाइप किस चीज़ की होंगी, प्लास्टिक की, और वो क्या हो जाएंगी, डेस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, डेस्ट्रॉय हो जाएंगी, या उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उनकी कंडीशन खराब हो जाएगी, वियर एंड टीयर का कॉज करेंगे, मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे इसके साथ सिर्फ किस चीज़ को बचाना है हमें, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बचाने के लिए सिर्फ इनका कूलर यूनिट का यूज़ करते हैं, वाटर कूलर यूनिट, वेस्ट वाटर कूलर यूनिट है उसका यूज़ किया जाता है, जो वो वेस्ट वाटर बचा है उसका यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसकी जो वर्किंग है वो कैसी है। अब जैसे एक प्रेशर कुकर है, एक प्रेशर कुकर से आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास रहेगा, जैसे एक प्रेशर कुकर है, आप उसके नीचे आग जला देते हैं और उसके अंदर वाटर डाल के रख देते हैं, आप नोट करते हैं कि 5 या 10 मिनट के अंदर उसके अंदर से एक विसल होती है, जो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा ही इसका कुछ कार्य है, वो समझते हैं। अब इसका कुछ काम क्या रहेगा, वर्किंग कैसी रहेगी इसकी, जब ऑटोक्लेव के अंदर हीट अप्लाई की जाती है, हीट अप्लाई की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है एंड दे चेंज इनटू स्टीम। लगभग टेम्परेचर दिया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना इसके अंदर टेम्परेचर रखा जाता है, और ये टेम्परेचर रखा जाता है फॉर 15 मिनट, और प्रेशर को हम मेंटेन कर सकते हैं लगभग 15 PSI पर स्क्वायर इंच का जो प्रेशर है वो रहता है इसके अंदर, ठीक है, पर स्क्वायर इंच, ठीक है, पर स्क्वायर इंच, या इसको हम बोल सकते हैं 775 mmHg, ठीक है, MMHg का प्रेशर इसके अंदर रहता है। इतनी कंडीशन काफी है 15 मिनट के लिए टू प्रोवाइड एसेप्टिक कंडीशन, एक एसेप्टिक कंडीशन इसके अंदर प्रोवाइड कर देगी। एसेप्टिक कंडीशन मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स उसको बना देगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन,
अब स्टेरिलाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कैसे इंस्ट्रूमेंट रखने हैं, इस डिवाइस के अंदर हमें कैसे इंस्ट्रूमेंट रखने हैं, हमें ध्यान ये रखना है कि कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, लैब इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा ना हो जो डिस्पोज्ड हो जाए या मेल्ट हो जाए इनसाइड ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के अंदर मेल्ट ना हो ऐसा रखना है। जैसे हम रख सकते हैं ग्लास वेयर जो आसानी से ना टूटे, जो किस चीज़ के बने हुए हैं, बोरोसिल के, ऐसे ग्लास वेयर हमें रखने हैं, ठीक है। आयरन या स्टेनलेस स्टील की जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, या फिर मीडिया है, कोई मीडिया लैब के अंदर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उस मीडिया को हमें स्टेरलाइज करना है। इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें यूज़ की जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मान लो कुछ सीड हमें ग्रो करने हैं बायोटेक लैब के अंदर, तो उन सीड को हम इसके अंदर स्टेरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सीड क्या बन जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएंगे, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा रप्चर हो जाएगा, जिसके बाद वो ग्रो नहीं करेगा। अब हमने ऐसा पढ़ा कि जो इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है वो एक सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको किल कर, उसको ब्रस्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, किल हो जाती है। अगर हम ऐसा सीड के साथ करेंगे, जैसे हम प्रेशर कुकर में करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर कुकर के अंदर हम राइस है उसको बॉयल करते हैं, तो वो किल हो जाता है एक तरीके से, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता ही नहीं, या कोई भी नॉर्मल प्रोटीन है उसके अंदर रहता ही नहीं, वो ग्रो नहीं कर सकता। अब उनको करवाने के लिए उनके लिए एक अलग तरीका होता है जो उनको केमिकल से स्टेरलाइज किया जाता है। तो इसीलिए सिर्फ इसके अंदर हार्ड मटेरियल या कोई मीडिया है, सिर्फ उनको ही स्टेरलाइज कर लिया जाता है। हार्ड मटेरियल है, ग्लासवेयर है, मीडिया है, पिपेट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ही स्टेरलाइज किया जाता है। इसके अलावा और चीज़ें इनके अंदर ज़्यादा स्टेरलाइज नहीं की जाएगी। और जब हम मीडिया को स्टेरलाइज करते हैं तो उसके ऊपर एक फॉइल लगाते हैं, पेपर फॉइल। जब कूलिंग हो, ठीक है, जैसे कॉनिकल शेप फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, इसके ऊपर एक तो कॉटन लगा दिया जाता है और इसके साथ ही यूँ फॉइल इसके ऊपर अप्लाई कर दी जाती है कि जब कूलिंग होती है वाटर इसको कंटेमिनेट ना करे, इसके अंदर इंटर ना करे, पेनेट्रेट ना करे, इसलिए इसके ऊपर फॉइल लगाई जाती है सिल्वर की। क्लियर है? अब जो यूजेस है कहाँ कहाँ होता है ऑटोक्लेव का, इतना तो हमने कर लिया कि कैसे ये काम करता है। ऑटोक्लेव का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होगा, यूजेस मोस्टली मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स आगे जैसे, या लैब्स आगे, ठीक है, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट टू मेक स्टेरलाइज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर स्टेरलाइज बनाना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ में। मोस्टली आप अगर ये भी लिख देते हो तो ये ठीक है, मोस्टली ये होगा तो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर ही यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा लैब के अंदर हो सकता है, इसके अलावा आपके जो कॉलेजेस हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके दिखाने के लिए उसके अंदर भी यूज़ हो सकता है। लैब के अंदर कोई इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करना है उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। अब अगर हम आगे बात करें, आगे हम देखेंगे इसके अंदर कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोक्लेव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं टाइप्स। सबसे पहला तो हमारा यही आएगा प्रेशर कुकर टाइप, जैसा प्रेशर कुकर होता है वैसा ही ऑटोक्लेव होता है, या बेंच ऑटोक्लेव जिसको हम बोल देते हैं, या बेंच लेबोरेटरी टाइप, ठीक है, प्रेशर कुकर टाइप या बेंच लेबोरेटरी टाइप। अब दूसरा आता है ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप।
ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप में हम बोल सकते हैं इसके अंदर दो तरीके के होते हैं, जिसके एक चैम्बर के अंदर पहले स्टीम तैयार की जाती है, फिर दूसरे चैम्बर के अंदर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, और ये काम फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा ये फास्ट वर्क करता है इस वाले से, प्रेशर कुकर से फास्ट वर्क करता है। थर्ड आता है पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप, पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप को हम बोलते हैं बी टाइप भी बोल देते हैं, और फोर्थ हमारा आ जाता है नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप, ठीक है, इसको हम एस टाइप का बोल देते हैं। तो ये चार टाइप की जो लैब के अंदर यूज हो सकते हैं ऑटोक्लेव प्रेशर यूनिट, ये यूज की जा सकती है। तो ये था हमारा आज का ऑटोक्लेव का लेक्चर। लेक्चर आपको कैसा लगा वीडियो के एंड में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।